ब्राह्मण और तीन ठग। चित्रकथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के यहाँ पूजा, यज्ञ और हवन आदि करके अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे किसी व्यक्ति ने भेंट स्वरूप दूध देने वाली बकरी दी। वह बकरी को लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि रास्ते में तीन ठगों ने ब्राह्मण को देखा और बातें करने लगे कि मैं सोचता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हड़प लिया जाए। नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरकीब से मोटू ब्राह्मण स्वयं बकरी छोड़कर भाग जाएगा। चलो इसे छीनकर भाग चलते हैं। यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। योजना के अनुसार एक ठग ब्राह्मण के पास जाकर बोला, पंडित जी प्रणाम। आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। क्या यह शिकारी कुत्ता है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख, यह कुत्ता नहीं बकरी है। कितना मूर्ख है कि बकरी को कुत्ता कह रहा है। इस तरह पहला ठग यह कहते हुए आगे निकल गया कि क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूं, तब आप मुझे बुद्धिमान समझेंगे। तभी सामने से दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आकर बोला, प्रणाम पंडित जी। ताज्जुब है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप पैदल जा रहे हैं। हे भगवान, क्या यह बकरी तुम्हें टट्टू दिखाई दे रही है? मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, लेकिन आपको तो बकरी और टट्टू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। आपको भगवान सद्बुद्धि दें। तभी तीसरा ठग जोर से हंसा और बोला, हाँ गधा ही तो है ये। क्या जमाना आ गया है, अब पंडित जी को बकरी और गधे में फर्क ही नजर नहीं आता। क्या सचमुच यह गधा है? यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी कोई जादूगरनी है जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रही है। इस तरह डर कर ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। उन्होंने बकरी को उठाया और लेकर चलते बने। इसीलिए किसी ने कहा है, लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए।